विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गीताय। बगैर चप्पल के मैं पेडर रोड से सिद्धि विनायक तक पैदल चल के गई। मुझे एक डेढ़ घंटा लगा। आहिस्ता आहिस्ता चल के मैं गई और मेरा काम हुआ था। और आप बोलेंगे मैं समझ नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि बहुत मुसीबत आने पर, बहुत हमेशा ही आई मुसीबतें, लेकिन उसी ने बचाया है। तो हर वक्त पहला नाम तो उसी का आता है, उसी के हम मन में स्थापना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गीताय। नागानिनाय सुरयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। ये बोल के हमारा दिन शुरू होता है। ये गणेश का स्थापना करते हैं, जिस वक्त उस पर आत्मा लाते हैं बोलते हैं, वो ये मंत्र है। और ये मैं बोल के हमेशा दिन मेरा शुरू होता है। उसके बाद शिव का मंत्र होता है, देवी का मंत्र। तो अब मैं क्या बोलूँ, किस पे विश्वास है किस पे नहीं, मेरा सब पे विश्वास है। जैसा मेरे सुनने वालों पे, मेरे पर प्यार करने वाले जितने लोग हैं, उन सब पे मेरा ऐसा ही विश्वास है। उसी विश्वास से आज इस उम्र तक मैं खड़ी हूँ आपके सामने। आप बताइए कौन सा काम करने वाला आर्टिस्ट आपके सामने आया है अभी तक, बताइए। अभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अभी 81 ख़त्म किया है मैंने। 4 तारीख को प्रोग्राम कर रही हूँ, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। 19 को प्रोग्राम कर रही हूँ अहमदाबाद में। तो इस तरह मैं काम भी कर रही हूँ। और इसकी वजह मुझे एक ही लगती है कि मेरा भगवान के ऊपर विश्वास, कि वो जो करता है वो ठीक करता है हमेशा। मुसीबत भी वो देता है, निकालता भी वही है। इसीलिए शायद आज की यंग जनरेशन, जो कि धोती के सिवा गाना नहीं सुनते हैं, लुंगी लुंगी के सिवा, वो मेरे गाने भी सुनते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब ही वो है जिसने मुझे आज तक बचा के रखा है। और आज तक बूढ़ों से लेके मिडिल एज लेके और यंगस्टर तक मुझे सब चाहते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है जब छोटे बच्चे आके बोलते साइन दो। मैंने बोला तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ आंटी, हमने आपको देखा है, आप गाती भी हैं और वो इसमें भी टीवी पे भी आती हैं। ऐसे ऐसी बातें जब बच्चे करते हैं तब लगता है कि वाकई भगवान मेरे पीछे हैं, वही है और कोई नहीं। तो यहाँ पे एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आजकल की जनरेशन जो बढ़ती जा रही है, आगे रॉ स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, रॉ स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे पुराने गानों को रिमिक्स करके गाया जा रहा है, तो वो सब आपने देखा होगा हाल ही के एक शो में, रॉ स्टार इंडिया में। जी, क्या कहते पूरे शो के बारे में, जो उसके कॉन्सेप्ट है, आपको वो ठीक लग रहा है वो शो, जो गानों को पूरी तरह से रिमिक्स कर रहे हैं? क्यों मुझे मरवा रहे हो लोगों लोग पानी से जरा बात। इस वर्ड को सुर तो सुर होते हैं और उसका परफेक्शन भी बहुत जरूरी होता है गाने के लिए, लेकिन ये रॉ जैसा जो कॉन्सेप्ट है आज की जो यंग जनरेशन को जो रियलिटी शो के जरिए मिल रहा है, उस पर आपका आपकी टिप्पणी क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के रियलिटी शो के? मैं समझी नहीं, रॉ के रॉक रॉ रा मतलब क्या मतलब समझे, मैं समझ नहीं आ रही। एक होता पका हुआ आम जो मीठा होता है, एकदम कच्चा जहाँ से मतलब, और एक कच्चा आम होता है जो दांतों में, दोनों का मिक्स, दोनों को मिला दिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो रा चीज जो होती है उसको पकने देना चाहिए, तभी जाके वो मीठी बनती है। तो आज जो रा जिसको गवा रहे हैं और जो गा रहे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं सुना, एक ही प्रोग्राम देखा कि वाकई क्या चल रहा है उसमें। बड़े रा ने मतलब रा तो छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े मतलब मिडिल नहीं होगा, 25 से ऊपर हो, 25 तक के, 25 तक
का आदमी का अगर बेसुरा सुर हो तो सुर में कभी नहीं आएगा, और जो आवाज़ उसकी बन गई है आ करके या ओ करके, वो कभी चेंज नहीं होगी। वो चेंज तभी होती है जब इतना छोटे बच्चे को कहा जाता है आ करके गा, ये सुर बराबर नहीं है, सुर लगा के एक घंटा बैठ, ये जो कहा जाता है ओम, तब जाके वो तैयार होते हैं। वो तैयारी के बाद वो बात जो गाएंगे वो सुर में गाएंगे, अच्छा गाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि बड़े बड़े बच्चे रॉ, मैंने माँ मैं समझी शायद रॉक गाना होगा कि रॉक आजकल का जो चल रहा वो होगा, तो वो समझ के मैं देख रही थी, लेकिन ना मुझे रॉक मिला ना रॉ मिला, मतलब ठीक है।